वैसे तो राजनीति की चरम सीमा तक जा सकती है, उसकी कोई भी सीमा ही नहीं है। आपको बताते चले कि अभी ताजा खबर ग्राम सभा तिपरारीपुर तहसील बीघापुर में भूतपूर्व मास्टर शिवपाल यादव पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि हमारे राशन कार्ड कटवा दिए गए, जिससे ग्रामीणों ने तहसील दिवस पर एप्लीकेशन देकर CDO सर को जानकारी दी है कि हम गरीब हैं, हमारे राशन कार्ड न कटवाए जाएं और खुली बैठक करवा कर पात्रों को राशन कार्ड वितरण किया जाए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि मास्टर जी मोरावा में चंदनगंज से आकर अपनी राजनीति के चक्कर में हम गरीबों को परेशान करते हैं और होते हुए विकास को रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है जी? किस गांव में रहती हूँ? आप तहसील दिवस में किस कारणों बस आई हैं यहाँ पे? हमारा राशन कार्ड 12 साल जगन्नाथ की प्रधानी में बना रहा, बुद्धि प्रधानी में 12 साल विध है, नहीं कटा। अब बाल यही हुआ के मरावा के वहाँ रही रहे, ठीक है, और ये हमारा विरोध कर रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? राशन कार्ड कटा दिए, राशन कार्ड कटा दिया। हाँ, ना कॉलोनी हमारा कर दे, हम 10-20 हमें लगे खेत हुए खाली। अच्छा, आप पात्र हैं उसके? हाँ। राशन कार्ड और कॉलोनी के पात्र हैं तब भी विरोध करवा? हाँ, तब भी हमारा नहीं बनाए दे रहे। अच्छा, आप शिवपाल मास्टर के आपके ग्राम सभा के निवासी हैं? नहीं है। कहाँ रहते हैं वो? यहाँ मोरावा में रहते हैं। TV1 India के लिए अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, उन्नाव। नगद उन्नाव के पूर्व में विगत दिवस जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आबकारी निरीक्षक रणविजय सिंह और थाना अध्यक्ष मोरवा मनोज मिश्रा ने अवैध शराब की बिक्री व निर्माण करने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लातखेड़ा बाजार व ग्राम लालाखेड़ा से 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मौके से लगभग 230 लीटर शराब बरामद करते हुए मौके से 4 भट्टियां व 12 क्विंटल लहन भी नष्ट किया गया। पकड़े गए अभियुक्त संतोष पुत्र ईश्वरदीन, मोहित पुत्र मुन्नीलाल, लालू पुत्र मुन्ना, रामदीन पुत्र बैजनाथ, सुंदर पुत्र लच्छू, किशन कुमार पुत्र पन्नालाल, संतराम पुत्र रामकिशन, राधेश्याम पुत्र राम प्यारे आदि लोग शामिल हैं। TV1 India के लिए अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, उन्नाव। वो जो सही रास्ता दिखाए, खबर वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी हो, खबर वो नहीं जो सनसनी फैलाए, खबर वो जो निकल कर सामने आए, खबर वो नहीं जो आपकी सोच को गुमराह कर दे। हर छोटी बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर, जिसका ताल्लुक सीधा आपसे होगा। खबर वो नहीं जो महज बड़े बोल हो, खबर वो जो हकीकत को उजागर कर दे, खबर वो नहीं जो सिर्फ रेटिंग के लिए हो। सही खबर को सही अंदाज में पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। सच्चे और बेबाक रास्तों से गुजरकर जो लाए असल पहचान, वही है TV1 India न्यूज की पहचान। यही है TV1 India न्यूज की पहचान। TV1 India न्यूज, आजाद भारत की आवाज। TV1 India न्यूज, आजाद भारत की आवाज।